एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे देश के एक दिग्गज पॉलिटिशियन के नितिन साहब के हाथ से ये पोस्टर लॉन्च हुआ, और मैं तो मेरा सौभाग्य समझूंगा कि आज उन्होंने मुझे उनका कीमती समय दिया और हमारे सब टीम को भी शुभेच्छा दी। हमारे मूवी के लिए भी उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका मैं। जिस तरीके से हम लोग बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं, ये आपने धार्मिक चीज निकाली है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, मैंने देखा कि यार आज के हमारे जो युवा है जो है कि वो आज धार्मिक मूवी नहीं देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक हम धार्मिक मूवी करें जो आने वाली जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए एक धार्मिक क्लाइमेट जनरेट हो और वो अच्छे सत्मार्ग और सत्कार्य करने के और दौड़े। इसीलिए हमने ये धार्मिक और भगवान दत्तात्रेय ने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो कि अनंत ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन दी है कि जहाँ जन्म क्या जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है, पाप पुण्य क्या है, और सभी सभी प्रकार की उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है दत्ता भगवान। इस मूवी के माध्यम से हम प्रेक्षक के सामने लाना चाहते हैं। स्टार कास्ट की बात की है तो कौन कौन स्टार इसमें दिखेंगे? स्टार कास्ट में इसमें हमारे मूवी में मोहन जोशी जी हैं, और ख़ास करके देखा जाए तो अन्ना हजारे जी हमारे जो देश के आज वो सबसे बड़े समाज सेवक हैं, उन्होंने भी हमें इस मूवी के लिए उनके ऊपर भी एक सॉन्ग हमने फिल्माया है। सुरेश वाडकर जी के जी ने भी एक सॉन्ग गाया है। अमृता फडणवीस जी का एक सॉन्ग है इस मूवी में। विश्वविधाता जो मूवी है, इसके अंदर किस तरह से जो है मूवी होगी और ऑडियंस और जनता किस तरह से इसे देख सकती है, फैमिली के साथ या कैसे? ये तो फैमिली के साथ देखने की ही मूवी है, और इस मूवी में जो भी जनता देखेगी या जो प्रेक्षक देखेगा कि उनके जो भी क्वेश्चन है मन में, वो क्वेश्चन के आंसर इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन अच्छा भगवान दत्तात्रेय ने दिया है। जो हैंडीकैप है और काफ़ी क्वेश्चंस है, पाप पुण्य है, जो कि कौन से ब्रह्मांड में क्या नहीं है, पितृलोक क्या है, मातृलोक क्या है, ग्राम देवता क्या है, इष्ट देवता क्या है, कर्म देवता क्या है, हम कर्म किस तरह से करना चाहिए और हमें कर्म से भाग्य बनता है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो बताई है कि जो हमारे कोई ग्रंथ ऐसे ग्रंथ में लोगों को बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि जो उस मूवी से माध्यम से वो पूरा ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता है और सत्कार्य करने के लिए वो निकल पड़ सकते हैं। इस मूवी के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं इस मूवी में, ये मूवी देखिए, ये मूवी देखने के बाद में आप एक सत्कार्य करोगे, एक अच्छे मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलोगे, और उनको एक अच्छा फील होगा कि इसमें हमें कुछ गलत नहीं, एक अच्छा काम करना चाहिए। ये मैं युवाओं को बोलूँगा, इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी में ख़ास करके मेरे एक मित्र है, वो जो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, वो एक्स आर्मी मैन है, उनका नाम है डॉक्टर किशन लोखंडे जी, और ये मूवी के को प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने काफ़ी हमें इस मूवी के लिए काफ़ी हेल्प की है। वो आज वो आए नहीं है, एक्चुअली आउट ऑफ बॉम्बे थे। और हमारे जो मित्र हैं संतोष फड़के जी, ये भी इस मूवी के को प्रोड्यूसर हैं, और हमारे दादा वो भी इस मूवी से कार्यकारी निर्माता है, और सुरभि गिरी ये इस मूवी के कार्यकारी निर्माता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। रूपा शेड्यूलकर इस मूवी में उनका भी, वो प्रोडक्शन मैनेजर का, और काफ़ी अच्छा उन्होंने इसमें रोल भी किया है। ये टेक्नीशियंस हमारे काफ़ी अच्छे काम किया, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मेरे जो मित्र है कैलाश, जिन्हें मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है कि इस मूवी के साथ जुड़ने का, और मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जो कि ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक के मन में है रहते हैं, वैसे मेरे भी मन में है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो मुझे भी कुछ सवाल है जिसके आंसर मैं इस मूवी के माध्यम से ढूंढना चाहता हूँ, और इसका बहुत बढ़िया सा अवसर मुझे कैलाश जी ने दिया है। सो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका कि मुझे अवसर प्रदान किया, और देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में है वैसे मेरे भी मन में है, तो देखते हैं आने वाली 18 दिसंबर को जो रिलीज होगी उसके बाद मेरे सवाल तो जवाब मिल ही जाएंगे मुझे। और जैसे बहुत ब्रह्मांड में हर एक जो जन्म लेता है उसको हर एक को प्रश्न तो होता ही है, जैसे हम किस लिए पैदा हुए, या हमारा कार्य क्या है, या आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, और पाप पुण्य, ये जो धार्मिक चीज़ है तो इसके बारे में बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी, जैसे मेरे भी मन में होगी और बहुत सारे यूथ के मन में भी होगी। सो
मैं इसको एक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखता हूँ और देखते हैं इसके बारे में आगे क्या कर सकते हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि थैंक्स अ लॉट, और इस टीम के साथ जुड़ के मुझे बहुत आनंद हुआ। थैंक यू। रिलीज की बात की जाए तो अभी थिएटर खुल गए। हाँ।